सेंसस से है, जनगणना से है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है। जनगणना से ये भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जनगणना से आपका एक प्रश्न, क्योंकि अभी लेटेस्ट जनगणना तो हुआ नहीं है, यह तो 2011 का ही डाटा चल रहा है, क्योंकि जनगणना जो है हमारा 10 साल पे होता है, लेकिन कोरोना आ गया था हमारा 2021 में, तो 21 में होना था बट कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। तो यह हमारा जो डाटा जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में 2011 का ही पूछा जाएगा, ठीक। तो कहता है कि किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है, तो साक्षरता सबसे अधिक जो है या सबसे अधिक रोह हमारा कहाँ हो जाएगा, सबसे अधिक साथियों हमारा यह रोहतास में हो जाएगा। जनगणना से एक प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षाओं में आते ही है, या कैसे पूछा जाता है प्रश्न देखिएगा गौर से, कहेगा कि सबसे ज्यादा साक्षर किस जिला है, कौन सा जिला है, तो रोहतास। और सबसे कम कहे, जैसे सबसे अधिक है ना प्रश्न में, तो सबसे कम कहे तो क्या हो जाएगा, सबसे कम कहे तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या सबसे अधिक साक्षरता कहाँ, रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। एक पूछता है कि लिंगानुपात कितना होता है बिहार का लिंगानुपात, ठीक, लिंगानुपात इस चीज को आप समझिएगा, लिंगानुपात जो है यह 918 है। यह लिंगानुपात का मतलब क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 1000 पुरुष पे क्या है, बिहार में 918 महिला है। यह डाटा 2011 के जनगणना के हमारा क्या होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी 1000 पुरुष पे 918 महिला है, तो वही हमारा कहलाता है सेक्स रेशियो। क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है साथियों, सेक्स रेशियो। तो प्रश्न में रहे हमारा यह बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 देंगे। अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक क्या लिंगानुपात कहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका साथियों आपका क्या हो जाएगा, गोपालगंज। इस चीज को आप जरूर याद कर लीजिए, गोपालगंज जो है यह जो है 1021 यानी 1000 पुरुष पे, यानी 1000 पुरुष पे 1021 महिला है, यानी 21 महिला यानी ज्यादा है, यानी पुरुष से भी ज्यादा क्या है हमारा, महिला है यह हमारा गोपालगंज। और सबसे कम अगर लिंगानुपात पूछे तो हमारा सबसे कम क्या हो जाएगा, यह सबसे कम मुंगेर हो जाएगा, जो कि 876 है। इस चीज को आप याद कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज, और मुंगेर में क्या है, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इस चीज को आप जरूर याद कर लीजिएगा, लिंगानुपात से हमारा यह प्रश्न रहा, लिंगानुपात पूछे तो कितना हो गया, 918, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ हो गया, तो गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर, गोपालगंज का कितना है 1021 और यह मुंगेर का 876 हो गया। तो इस प्रकार लिंगानुपात आप याद जरूर याद रखिएगा, 918 इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। सबसे कम साक्षर क्या हो जाएगा, पूर्णिया, और सबसे कम हमारा पूर्णिया हो गया, और इधर सबसे अधिक क्या हो गया, रोहतास हो गया।